ओके 8:05 हो गया। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मतलब काफी लोगों का आज मैसेज किया था, तो काफी लोगों ने हेलो हाँ, काफी लोगों ने ये सब भी पूछा था, ये क्यों मीटिंग कर रही हो आप, क्यों कोई मतलब नेट का तैयारी कर रही हो, यह क्या है। इन्हें बता दिया नहीं, हम काफी टाइम से जो सोशल वर्क स्टडी करके मतलब 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक बार फिर से हम वही सोशल वर्क का उस फील्ड में चले जाता है और उसका बारे में एक बार देखता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव जान जाता है। जब इसलिए मैंने इसको रखा था नोट शेयरिंग। नोट शेयरिंग का मतलब हम हमेशा जो नोट शेयर करता है हमारा, जब हम अकेडमिकली पढ़ रहा था जब भी टाइम में, तो हम नोट शेयर करता था अपने कोलिग के साथ, सभी लोगों के साथ। तो ऐसा ये कि नोट शेयरिंग का प्लेटफॉर्म ही मैं चाहता था। तो सभी लोग सोशल वर्क में, यहाँ तो मतलब डॉक्टरेट भी किया है, लेक्चर भी है, चाइल्ड लाइन में भी काम किया है, शेल्टर होम में भी, अलग अलग जगह में काम कर दिया, काफी लोग हैं। मैं जो मैंने इतने सारे लोगों को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब 16 लोग हैं अभी। तो काफी लोगों ने कंफर्मेशन भी किया था। तो हम जस्ट एक बार सभी लोगों का जो इराया जानता है, बात करता है, तो इसके लिए मीटिंग मेनली कंडक्ट कर रहा हूँ। और मतलब हर लोगों को ओपिनियन भी जानना, शायद हम हमारा भी नॉलेज बढ़े। ऐसा नहीं है ये कोई हम कुछ ज्ञान दे रहा है और सब कुछ सुन रहा है, मतलब सिर्फ डिस्कशन ही मैं चाहता हूँ। तो देखता है कैसा है ये नॉलेज शेयरिंग का सेशन, इसके लिए रखा हो। मतलब सभी लोग हिंदी में ठीक रहेगा, मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल दूंगा, मलयालम में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा अगर कोई ज्वाइन किया है, मैंने मैसेज में भी डाल दिया था। इस एवरीवन इज ओके विथ हिंदी? यस सर, ओके। तो मैं एक्चुअली मतलब मैं बीच बीच में इंग्लिश में भी बोल दूंगा। एक्चुअली हम लोग है ना काफी टाइम से सोशल वर्क में काम कर रहा है, कुछ लोग मतलब MSW या BSW किया है, या +2 में पढ़ा है जो, या डिप्लोमा किया है, कुछ लोग कोई भी पढ़ाई नहीं किया है और सोशल वर्क में आकर थियोरेटिकली मतलब प्रैक्टिकली काफी चीज जानकारी ले लिया है। तो मुझको लगता है वो लोगों को ज्यादा पता होगा, जब भी मतलब थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में जो गया है। तो और कभी कभी हमको अकेडमिकली भी जानकारी लेना चाहिए, कुछ कुछ गैप्स हो जाता है हमको, मतलब पता नहीं चलता है कोई जगह में हमको कुछ टर्मिनोलॉजी अगर पूछ लिया या कुछ है, तो हम मतलब इसमें कोई हेसिटेशन नहीं है। मुझको भी पूरा चीज पता नहीं है, अभी तक मेरा MSW खत्म होने के बाद 10 साल हो गया, फिर भी मुझको पूरा चीज पता नहीं। तो आप लोग भी करेक्शन कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक इसका पहले भी हमने एक बार मीटिंग किया था, पर ऐसा नहीं किया, तो उस समय हमने बात किया है तो थोड़ा सा हेसिटेशन था बात करने में। तो मैंने सोचा था इस बार जो नोट्स है हमारा उसको PPT जैसा बना दूंगा, ताकि उसमें पहला बताकर उसमें फिर बात करूंगा ना, सभी लोगों को आसानी होगा। और हम वाइड वैरायटी है जो सोशल वर्क का, काफी टर्मिनोलॉजीज है, काफी बड़ा सिलेबस है, तो हर चीज तो कवर भी नहीं कर पाऊंगा। तो जो आज पहला सेशन में हम ये मतलब जो बेसिक है, अगर एक मान लो 10वीं का बाद भी मतलब +1 +2 का लोग को भी जितना जानकारी होगा, उसी लेवल में ही सोशल वर्क का बात करूंगा मैं। बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ और हम उसमें ही बात कर रहा हूँ। तो हम है ना पहला मैंने जो लिखा है सोशल वर्क द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रॉब्लम शेयरिंग, मतलब ये एक सोशल वर्क का आर्ट भी है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का साइंस भी है। तो मैं और मेरा एक और स्लाइड में दिखाता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। मतलब नोट शेयरिंग का पर्पस, मतलब मैंने ये भी सभी लोगों को भेजा है, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, मतलब हम क्लासरूम में सभी जगह में जो नोट शेयर करते हैं, ऐसा हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें। और इसका मेन पर्पस है
हमारा जो गैप्स है अंडरस्टैंडिंग का, शायद काफी टाइम के बाद एक नया कंसेप्ट भी आ गया होगा, तो वो भी ले लूंगा या रीइन्फोर्स करूंगा, हमारा नॉलेज सही है एक और बार हम कंफर्म करूंगा। और मतलब कभी कभी है मतलब एडिशनली काफी अलग अलग फील्ड का लोग आ गया है, तो शायद हमको एक चीज में ज्यादा नॉलेज मिल गया होगा, तो उसका बारे में भी जानकारी मिल सकता है। और मेनली ये एक डिस्कशन है, तो सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और हर लोग इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा नहीं है मैं जो बात करूंगा और सभी लोग सुनूंगा, शायद मेरा मैं मुझको भी डाउट होगा तो कोई और आंसर करूंगा, तो कोई ऐसे ऐसे चलेगा। और यही है जो मेनली इस मीटिंग का बारे में, किसी को डाउट तो नहीं है ना हम इस मीटिंग का बारे में? नो आई थिंक ऑल राइट, क्योंकि शेयरिंग आप कह रहे हैं ना नेस्टली के जो भी शेयर कर रहे हैं दूसरे को, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, और हो सके अगर कहीं तो भी जान आंसर। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, ऐसे ही मैं इंटरेक्शन भी चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं थोड़ा सा, तो मतलब मैं ये बहुत छोटा तरीके से मतलब जो सोशल वर्क के बारे में मतलब क्या है, मतलब सोशल वर्क इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन दैट इज कमिटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बाय इम्पार्टिंग वेरियस इंटरेक्शन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज विच आर साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड एथिकली अप्लाइड। तो मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मतलब हम यही है सोशल वर्क, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, मतलब हमारा एक प्रोफेशन है जो मतलब किसी का भी प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, तो हम बाद में डेफिनेशन में भी आ सकते हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम हर लोगों को लाइफ में होता है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालता है ये सोशल वर्क में आ जाता है। और मतलब प्रॉब्लम भी एक तरीके से देख लूंगा, तो हमारा पास मतलब काफी फिजिकल प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, सोशल प्रॉब्लम होगा, जैसे कि मान लो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या सोशल प्रॉब्लम भी जो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम बड़े होकर, जैसे अल्कोहलिज्म है, चाइल्ड अब्यूज है, क्राइम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सभी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करते हैं ये सोशल वर्क में आ जाता है। तो मैं मतलब बाकी लोगों को भी इंटरेक्शन चाहता हूँ, अगर कोई ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकता है। हेलो, मैंने दोनों स्लाइड यस ऐसे ही ले यस लिया। हाँ आई थिंक राइटली शेयर्ड कि प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकती हैं सोशल वर्क, मतलब सोशल वर्क में प्रिसाइसली हम जो भी कर रहे हैं हम किसी भी तरह से लोगों की समस्याओं को एड्रेस करने की ही कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ प्रेजेंट हैं आई थिंक वी आर ऑल डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल्स, तो सब अपने लेवल पे कहीं ना कहीं जो भी काम कर रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम किसी ना किसी की प्रॉब्लम को ही एड्रेस कर रहे हैं। सो आई थिंक वी अंडरस्टैंड दिस मच एंड सोशल वर्क तो कला है ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की। सो आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है, और किसी का कुछ पॉइंट है तो आप प्लीज ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ ओपन स्पेस है लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे बेसिक्स ही। और आई थिंक बहुत ऑर्गेनाइजेशन में तो एग्जाम्स भी होते हैं, तो ये एक तरह से रिविजन ही है। सो आई थिंक आप लोगों को कुछ पूछना हो, शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, अगर किसी को बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर है ना थोड़ा सा बात करूंगा, तब ऐड कर देना, क्योंकि हम कोई लचक नहीं सुन पाए, एक्चुअली मैं डिस्कशन ही चाहता हूँ, लेक्चर तो बोरिंग होगा, अभी 8 बज गए या खाने क्या सब कुछ है, तो एक्चुअली एक डिस्कशन होता है तो सभी लोग एक्टिव हो जाता है ना। ओके, तो मैं मतलब थोड़ा सा मैं और कंटिन्यू करता हूँ, जैसे कि सोशल वर्क का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बता दिया है,
क्यों, मतलब इस जमाने में इतना सारा क्यों प्रॉब्लम्स का, मतलब मैंने बता दिया है काफी प्रॉब्लम्स होता है, मतलब जो सोसाइटी जब मॉडर्नाइज हो गया है तो उसमें काफी, मतलब काफी लोग कंपनीज में काम किया, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है, और मतलब सोसाइटी में काफी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी काफी चेंजेस आ गया है, तो काफी चेंजेस आ गया है, उसका वजह से काफी लोग आइसोलेटेड हो गया। पहला तो बहुत बड़ा फैमिली का सिस्टम था, छोटा हो गया है, फिर काफी पॉवर्टी बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, काफी लोग माइग्रेट किया है एक दूसरा जगह से भी, और फैमिली का डिसइंटीग्रेशन हो गया। पहला तो ज्वाइंट फैमिली था, फिर मतलब काफी सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, सुइसाइड टेंडेंसी, ऐसा काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है सोसाइटी। तब यह सोशल वर्क का बहुत मतलब अहम हिस्सा हो गया था, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम्स कैसा सोल्व करे प्रेजेंट डे टू डे, तो उसके लिए सोशल वर्क ऐसा एक ब्रांच बनकर आ गया है, मतलब एक सब्जेक्ट बनकर। और काफी सोशल वर्क मेनली एम करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू सोल्व द प्रॉब्लम, मतलब काफी साइंटिफिक रीजन देता है। ऐसा नहीं है हम सोचते हैं हमको एक प्रॉब्लम आ गया है तो हर लोगों को पता है काफी सॉल्यूशंस, पर सोशल वर्कर हमेशा एक साइंटिफिक वे में चले जाता है। जैसे कि मान लो हमको एक अबैंडन बच्चे मिल गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब एक सोशल वर्कर होता है, हम चाइल्ड लाइन को कॉल कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन है चाहे CWC, वहां प्रोड्यूस कर सकता है, इस काफी चीज के बारे में जानकारी है वो लोग कर सकता है, या ऐसा प्रोफेशनल को आप दे सकते हैं। हर लोग शायद वो अपना फैमिली में रखूंगा जैसा इसका नॉलेज नहीं है, तो जो नॉलेज है सोशल वर्क के साथ आ गया है तो वो लोग अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, जैसा कैसा बच्चे से बात करना है, काउंसलिंग कैसा देना है, सब कुछ है, तो एक प्रोफेशनल तरीका आ जाता है उसमें। तो और सोशल वर्क सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं है, मैं ये भी यहाँ एक बार ऐड करना चाहता हूँ, इट गोस ऑन टू एम्पावर द क्लाइंट्स, कभी कभी एम्पावरमेंट का भी होता है, हैंडल द प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल इनिशिएटिव्स, कभी कभी हम प्रिवेंशन के लिए भी काम करते हैं, हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं, मतलब प्रिवेंटिव मेथड भी काफी लोग यूज करता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क क्लाइंट सिस्टम इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप, कम्युनिटीज, हम कम्युनिटी में भी बात करता है, क्लाइंट को भी बात करता है, मतलब ग्रुप्स में भी काम करता है, तो ये सब कुछ सोशल वर्क में आ जाता है। यहाँ किसी को कुछ ऐड करना है? हेलो, कुछ कुछ लोगों का नाम नहीं है, फिर भी आप लोग अगर अपना प्रोफेशन का तरीके से भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, जैसे चाइल्ड लाइन में भी है, हम प्रिवेंशन के लिए भी काम करता है, चाइल्ड राइट्स के लिए भी प्रिवेंशन भी काम करता है, चाइल्ड मैरिजेस का अगेंस्ट कैंपेन निकालना, चाइल्ड लेबर का, किसी को कुछ ऐड करना है? आप कुछ बता रहे हो? आर बी एक्चुअली हम अप्रिशिएट करेंगे अगर थोड़ा सा इंटरैक्टिव होगा सेशन, मतलब क्योंकि सिर्फ रीड तो हम कर ही सकते हैं स्लाइड से सब कुछ, पर अगर आप लोग भी शेयर करेंगे कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ डू यू सी सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन, आपको क्या लगता है सोशल वर्क क्या है एज अ प्रोफेशन, आप इतने साल से आप सभी दिग्गज हैं अपने काम में, तो अगर आप लोग भी शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, आई थिंक लर्निंग म्यूचुअल रहेगी, वरना बहुत ही एक साइड से ही फ्लो दिखेगा। आई थिंक, कैन आई स्पीक? आजीश जी, जी आजीश जी जी, अच्छा ओके, चलिए जो आप बोल रहे हैं पहले बोलिए ना, फिर बाद में ऐड कर। थैंक यू। बताओ बताओ। हाँ जी, अजीत जी नमस्कार, कैसे हो आप? हाउ आर बहुत यू? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ सोशल वर्क इज ऑलवेज इन इंडिया और इन साउथ एशियन कंट्रीज इन द लाइफ, इट्स अ प्रोफेशनल और नॉट, बिकॉज एंड वन कॉन्टेक्स्ट दे हैव सम लिमिटेशन,
एज ए प्रोफेशन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ लीगल प्रोफेशनल और सम रजिस्टर्ड बॉडी. सोशल वर्कर्स डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एंटाइटलमेंट और लीगल एंटाइटलमेंट्स. दे व्हेन द नीड ऑफ अ सोशल वर्कर इन सम केसेस दे विथड्रॉन देमसेल्फ. दे से नो नो दिस इज आर नॉट आवर जॉब. सो दे ऑलवेज इन कंफ्यूजन और इन डिलेमा सोशल वर्कर्स ड्यू टू प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनलिज्म सच काइंड ऑफ थिंग प्रैक्टिस बिकॉज इन अदर पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोज हु आर हैव अ सोशल वर्क प्रोफेशनल लाइसेंस और हैव अ सोशल वर्क डिग्री दे ओनली प्रैक्टिस द सोशल वर्क. इन इंडिया एवरी वन इफ समबडी इज एमए सोशियोलॉजी और इन डिफरेंट फील्ड ही वॉन्ट टू वर्क ही कैन वर्क इन दैट वॉलेंट्री बट नॉट एज ए प्रोफेशनल. दैट इज द प्रॉब्लम. द मोस्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन आर लीड बाई नॉन प्रोफेशनल पर्सन्स दे आर नॉट सोशल वर्कर्स. So that's kind of gap in this sector. And in the concept of when I miss most of your conversation, but I read the slide, then I got some little bit information from it. The social worker is more now, what I say, they're not a problem solving nowadays. All are working with the flow of wind or flow with the waves. They are not resist the forces or they're not working what they actually need. Like suppose like आजकल क्राइसिस है मणिपुर में, कोई भी नहीं जाएगा सोशल वर्कर अभी काम करने. ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता तो वो वहां जाके काम करता, प्रॉब्लम को रिसिस्ट करता, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाता, सब डायलॉग कराता, सब सब स्टेक होल्डर को बुला के एक टेबल पे डायलॉग कराने की कोशिश करता. किसी एनजीओ ने इनिशिएटिव नहीं लिया. मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट था, वहां प्रॉब्लम थी, बट कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि गवर्नमेंट को भी बुलाए, तीनों कम्युनिटी को बुलाए, जो भी वहां की फोर्सेस है सबको बुला के टेबल पे प्रॉब्लम डिस्कस हो. नहीं करा किसी ने भी, कोई ना नेशनल ना इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी स्टार्ट नहीं किया. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हर जगह वो डिपेंडेंट बनता जा रहा है प्रोफेशन, मोस्टली डिपेंडेंट. या तो वो जहां से हमें फंडिंग मिलती है, जिस चीज की फंडिंग मिली है उसी के लिए काम करता है. आइडियोलॉजी का उसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बचा है आजकल, ग्रांट ओरिएंटेड है. अजीज जी ने मुझे पैसा दिया कि तुम्हें लाइवलीहुड पे काम करना है तो मैं उसी पे काम करूंगा, चाहे मेरी आइडियोलॉजी है चाइल्ड चाइल्ड राइट, बट नहीं है. ये प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत कम स्कोप है अब. आई थिंक खिजर हयात, आपने प्रॉब्लम बताई है तो आई एम श्योर इसको भी रिजॉल्व करने के लिए डेवलपमेंट सेक्टर के ही लोग आगे आते होंगे। ये भी एक चैलेंज ही है सोसाइटी का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। आपने बड़े राइटली इसको शेयर किया है और ठीक भी है ना। मतलब आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ पे सबको, हम इस फेज को थोड़ा सा लर्निंग फेज की तरह देख रहे हैं। मतलब नॉट लाइक मतलब इट इज टू अर्ली। अभी तो हम सिर्फ सोशल वर्क क्या है वही समझ रहे हैं, सोशल वर्क क्या बन गया है वो नहीं। व्हाट इज दैट दैट वी अंडरस्टैंड, व्हाट इज, हम यहाँ पर अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि होता क्या है क्या। शायद हम अभी वो चर्चा कर रहे हैं क्योंकि होता क्या है में काफी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल, काफी कुछ पॉलिटिकल आ जाता है और वो हमेशा ही रहेगा। आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी कर लें, कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स आई थिंक इटर्नल रहेंगे। तो उसके बियॉन्ड भी यहाँ पे जिन लोगों ने इतनी जहमत करके यहाँ तक पहुंचे, आई एम श्योर वो सिर्फ ग्रांट के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, वो यहाँ पे जेन्युइनली सीख करने के लिए आए। आप भी उनमें से एक हैं, आजीश है, आई थिंक हुसैन है, आई थिंक आई सॉ वरुण सर ऑल्सो, ममता है, जिन लोगों को मैं जान रही हूँ, निरंजन है, यस, जिनको मैं जान रही हूँ। इंडिविजुअल हाँ तो इंडिविजुअल तो है बट बिल्कुल, तो ऑर्गेनाइजेशंस आजकल डिक्लाइन होता जा रहा है सोशल वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग. दैट्स ऑल राइट, वो इट्स ऑलवेज अ रिपल इफेक्ट। हम हमेशा, हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो आई थिंक वैसे आगे, हाँ यस यस यस, आई नहीं, थिंक मैं एक्चुअली बता रहा हूँ. एक्चुअली कीसर हयात भी काफी काम किया है, सभी लोगों को पता नहीं होगा. मैं एक्चुअली सभी लोगों को एक इंट्रोडक्शन नहीं किया तो मुझको अभी लग रहा है एक्चुअली कीसर भी अभी साउथ अफ्रीका गया है एक्चुअली. अभी वहाँ मतलब सोशल वर्क में भी अभी भी काम कर रहा है ना, सोशल वर्क में साउथ अफ्रीका हाँ में थोड़ा. भी. तो वो काफी टाइम से अलग अलग एनजीओ के साथ स्किल डेवलपमेंट, चाइल्ड राइट्स, अलग अलग तरीके में काम किया है. बहुत अच्छे से काफी चीज, जैसा हम मैंने एफपीओ में भी शुरुआत में
काफी मुझको बता दिया गया है। तो हम एक्चुअली, मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें बता दिया है, हम पहले ही दिन काफी प्रॉब्लम्स का ऐसा डिस्कशन करूंगा ना, थोड़ा सा पॉलिटिकली हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कम करना चाहता हूँ। तो हम है ना, पहला हम बेसिकली चलते हैं, फिर हम बहुत बड़ा डिस्कशन भी जरूर करूंगा, पर पहले ही दिन इतना बड़ा कदम मुझको नहीं लगता है वो फिजिबल होगा। ओके, तो मतलब वही है, मतलब आई सभी थिंक में अजीश वरुण सर ऑल्सो इज इन द वरुण कॉल, सर पोषक आल्सो है। ओके या आई थिंक। हाय राजेश, हाय सुमीना, कैसे हैं आप लोग? हेलो बहुत बढ़िया है सर, सर। थैंक यू सो मच फॉर सॉरी, कनेक्टिंग। मैं अभी ऑन द वे हूँ, थोड़ा ट्रैफिक का साउंड हो सकता है, मगर ये गुड इनिशिएटिव है जो आप लोग ले रहे हो, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोगों के बीच में शेयर होना जरूरी है। नो डाउट सोशल वर्क अपने आप में एक प्रोफेशनल है, आज के टाइम में सर्विस है, उस सर्विस के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और अभी जो हमारे साथी कुछ शेयर कर रहे थे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की कंडीशन है, नो डाउट के नए रूल, नए रेगुलेशन, FCRA और बाकी सारी चीजें आने से चीजें कुछ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड तो हुई है, मगर जब भी गवर्नमेंट या सोसाइटी पर प्रॉब्लम आई है, वो कोविड हो, बाढ़ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तब हमेशा सिविल सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही लोग आए हैं पूरे देश को संभालने के लिए जिन्होंने इसको खड़ा किया है। तो वो सोशल वर्क, वो समाज सेवा, वो लोगों के दिल का जो एक इंसानियत है जब निकल के बाहर आती है ना, तो वही एक सपोर्ट सिस्टम होता है हर प्रॉब्लम के लिए। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के लिए इस तरह की चीजें सामने आती हैं। बाकी अपने जो फीडबैक है, बाकी चीजें मैं थोड़ी देर में ऐड करूंगा, अभी ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, फिर बीच में ऐड करता हूँ कुछ। थैंक यू सो मच। ओके, जो वरुण सर है वो CWC का चेयरपर्सन है, हमारे साथ काफी जो चाइल्ड लाइन वगैरह में काफी काम किया है सर के साथ भी। मैं थोड़ा सा ऐसे ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सभी लोगों को, तो काफी एक्सपीरियंस है चाइल्ड राइट्स में और यूथ में भी फील्ड में, तो थैंक यू सर। और मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसा हम लोग थोड़ा सा और आके आकर बात करता है, जैसे कि हमने बता दिया सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, मतलब प्रिवेंटिव और प्रमोशनल इनिशिएटिव सब कुछ होता है सोशल वर्क। तो मतलब जैसा पहला भी बता दिया है ना, हमने हमने जो शुरुआत में भी बता दिया है, मतलब काफी मिसकंसेप्शन है सोशल वर्क का ऊपर। मतलब हम सिर्फ कुछ खाना बताता है वो लोगों को भी सोशल वर्कर कहता है, या बड़े बड़े नाम है जैसे कि महात्मा गांधी है या स्वामी विवेकानंद, मदर तेरेसा, सभी लोग भी बताता है सोशल वर्कर है, सभी लोग जो मतलब नॉर्मल लोग बताता है, पर वो लोग एक्चुअली प्रोफेशनल सोशल वर्कर नहीं है। वो लोगों ने अच्छे से काम किया है, बिल्कुल सोसाइटी के लिए काफी काम किया है, तो ये थोड़ा सा अलग भी है। और पहला काफी टाइम से मतलब रिलीजियस थिंग से जुड़ा जाता था जो सोशल वर्क, मतलब हम किसी को सेवा करना या मतलब ऐसा एक्टिविटीज को भी, मतलब पूरा वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से इसको सोशल वर्क कहता था, तो वो सब कुछ सोशल सर्विस है या आपका हेल्प कह सकते हो, पर एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है सोशल वर्क का। तो मतलब रिलीजियस एक्टिविटी या चैरिटी या नॉन रिम्यूनरेशन भी मिलता है, एक्चुअली हमको रिम्यूनरेशन मिलता है प्रोफेशनल सोशल वर्कर को, तो ये सब कुछ एक मिसकंसेप्शन है सोशल वर्क का ऊपर। किसी और का भी ऐड करना है इसको इस स्लाइड में? हाँ सर, इसमें भी मैं खेजर जी की बात पे आना चाहता हूँ। खेजर जी ने बहुत अच्छा हमें एक पॉइंट दिया है डिस्कस करने के लिए। उन्होंने जो बताया ना अपनी बातों से, आपने जैसे बताया साउथ अफ्रीका वगैरह में काम करते हैं, तो खेजर जी ने जो है ना ये सोशल जो हम सभी से बात कर रहे हैं इनका डार्क फेस दिखाया हमें, और वरुण सर ने हमें होप दिखाया सोसाइटी में कैसे हो पाता है या क्या होप चेंजेस कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक साइड से अपसाइड जा रहा है, दूसरा डाउन हो रहा है, तो अब नहीं मुझे लग डाउन रहा है नहीं कि है अभी बहुत सर, मजेदार सेशन होने सॉरी वाला है। नहीं, मुझे मुझे सॉरी मतलब मैं सॉरी आपसे इंटरप्ट बोलिए करने के लिए, डाउन नहीं है ना, बट आजकल श्रिंक हो रहा है स्पेस, ये है। लोग बोलना नहीं चाह रहे, सामने नहीं आ रहे, ये मैं वही कह करना रहा नहीं हूँ चाह कि रहे। आपने जो है ना सोशल वर्क का बहुत डार्क फेस दिखाया कि देखो ऐसा भी हो सकता है, और वरुण सर ने एक होप दिखाया कि देखो ऐसा भी होता है, तो ले देखे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है आई थिंक। एब्सोल्युटली, थैंक यू सेन, आपने ठीक कहा कि दोनों ही साइड्स हमें क्लियरली दिखी हैं।
मतलब ये पर्सपेक्टिव भी है, और एक्चुअली दोनों ही चीजें एग्जिस्ट भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो किजन किजन ने बताया वो नहीं है, जो सर ने बताया वो नहीं है, दोनों ही चीजें साथ में चल रही है। और जैसा सर ने भी बताया कि क्योंकि बाकी और चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो भी ऐसे शॉर्टकमिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के एंड से रह भी जाती हैं, उसको सिविल सोसाइटी आजकल सिविक स्पेसेस इतना काम कर रही हैं, लोग आगे आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, सोनू सूद के पास बहुत पैसा है, वी ऑल नो दैट, लेकिन वो भी एक सिविल सोसाइटी का पार्ट ही थे ना। जब ऑर्गेनाइजेशन जहां नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उन्होंने पहुंच के काम किया था। आई एम श्योर हम सब ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रहते हुए जितना कोविड में लोगों की सहायता की होगी की होगी, बट पर्सनल लेवल पे भी हमने किया होगा। तो सोशल वो सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ देंगे तो शायद वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इट्स अबाउट सोसाइटी, जहाँ समाज जुड़ा है, समाज की समस्या के लिए समाज ही को आगे आना है। आप अकेले कोई एक संस्था अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगी अचीव, जितना सिविक स्पेसेस में लोग आगे बढ़ के करेंगे। तो आई थिंक हमें सिविक स्पेसेस को भी प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, जो आई थिंक हमारे SDG 16+ में भी फॉल करता है, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह से भी देखें तो। यस, आई थिंक आपने ये भी ठीक कहा कि कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा, सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है ना जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको कहीं निकालने का। ऑफिस में ऑफिस वालों की बुराई कैसे करें, या डेवलपमेंट सेक्टर को कैसे क्रिप करें। तो आई थिंक दिस विल बी अ स्पेस वेयर वी कैन डिस्कस आवर चैलेंजेस ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए, आप सबने जो भी इनपुट्स दिए हैं। सुनिना, ओके थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें जी, सॉरी, थोड़ा ओके सा बताओ डिफरेंशिएट बताओ। करना पड़ेगा। सोशल वर्क और ओ चैरिटी में डिफरेंस है, इसीलिए सोशल वर्क आया। पहले चैरिटी मॉडल था, चाहे वो अलीज़ाबेथन पुअल्ला हो या उससे पहले जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठ ओके है, या सिखिज्म में चलता है, या मुस्लिम में ज़कात है, या हिंदुज़्म में जो चैरिटी है, तो वो चैरिटी मॉडल था। उससे सोशल वर्क में डिफरेंशिएट आया 1800 में, तो वो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस है। एक मदद कर रहा है वो चीज अलग है, चाहे सोनू सूद हो या शाहरुख खान हो, वो मदद कर रहा है, वो सोशल वर्क नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल सोशल बिल्कुल वर्क ये प्रोफेशनल, बताओ बताओ। वो मदद तो चलती रहती है सोसाइटी, इसीलिए लोग नेबरहुड में रहते हैं कि एक दूसरे की मदद करेंगे। वी आर अ सोशल एनिमल, इसीलिए कहा जाता है इंसान ह्यूमन बींग में, जानवर और इंसान में यही डिफरेंस बताया गया। तो वो चीज डिफरेंट है। सोशल वर्क और हेल्प करना, सपोर्ट करना, मेरी मेरी मदद कर दी अजीश ने, वो सोशल वर्क नहीं है। किसी की जाके गरीब की मदद कर दी, वो सोशल वर्क नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं मतलब तब ये मिसकंसेप्शन हो गया। तो क्या है एक्चुअल में सोशल वर्क, थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा डिफाइन करता है, मतलब मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, काफी डेफिनेशन होता है तो दिक्कत पड़ेगा उतना डेफिनेशन में चलने के लिए। तो सिंपल वे में अगर किसी को बताना है तो, जैसा मैंने जब MSW किया है तो सबसे आसानी वाला वर्ड यही था, हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्स। मतलब सभी लोगों को जो हेल्प कर रहा है, मतलब खुद को मतलब उतना कैपेबल बनाने में सब कुछ है। तो उसमें अनेबलिंग, एक यस। प्रोवर्ब भी था, मतलब जो एक चाइनीज प्रोवर्ब था, मतलब जो एक इंसान को अगर हम मतलब वो अगर भूख लगा है तो हम एक फिश देता है तो उसको उसी दिन का ही पेट भर जाता है। अगर हम उसको बताता है कैसा फिश पकड़ना है तो उसको काफी टाइम तक वो खुद ही कर सकता है। तो किसी को ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा और काफी लोगों को वो हेल्प होगा। तो यही एक तरीके से सोशल वर्क का बता दिया गया है। फिर अलग अलग डेफिनेशन आ गया, जैसा कि 1800 का बाद भी काफी, मैं अभी हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, पहले ही हिस्ट्री ले लूंगा तो काफी दिक्कत पड़ेगा, तो सिर्फ डेफिनेशन में जा रहा हूँ। मतलब काफी चेंजेस आ गया है प्रोफेशन का, कैसा वो मेरी रिचमोंड का टाइम में, उसका बाद का सब कुछ मतलब चेंज होते आ गया है। तो हम अभी बता सकते हैं जो से सोशल वर्क की से प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज स्किल इन ह्यूमन रिलेशन विथ असिस्ट द इंडिविजुअल्स एलोन और इन ए ग्रुप टू ऑब्टेन सोशल पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। ये एक डेफिनेशन है। और एक इंडियन डेफिनेशन अगर बताना है तो
सोशल वर्क इज अ वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी, साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निकल स्किल फॉर हेल्पिंग द इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी टू लीव ए रिच एंड फुल लाइफ। तो मैं ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी आप लोग मतलब ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा साइंटिफिक नॉलेज से हम बात करते हैं काफी, ग्रुप मतलब केस वर्क होगा या ग्रुप वर्क होगा या कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा या मतलब हम हमेशा काफी टेक्निक्स होता है काउंसलिंग में, हमारा प्रिंसिपल्स होता है। तो ये सब कुछ हम साइंटिफिकली नॉलेज के बाद हम इसमें आता है, तभी सोशल वर्क मतलब एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर के दिया जाता है। और जो सोशल वर्कर है उसको स्किल भी होना चाहिए, कैसा बात करना है, कैसा एक बात रखना है, काफी इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। किसी को इसमें ऐड करना है डेफिनेशन? सर डेफिनेशन आई थिंक से मैं भावना सॉरी हुसैन कुछ बता रहा है, हुसैन कुछ बता रहा है। या डेफिनेशन से तो नहीं गया था, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और था। मैं ये बताओ। पूछना चाह रहा कि अभी जो दिल्ली में फ्लड हुए थे या फिर इससे पहले जो कोरोना की क्राइसिस चल रहे थे, इसमें काफी एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन आए थे, लेकिन एक चीज और है जो मतलब मैं पर्सनल नोटिस किया है। जैसे दिल्ली फ्लड को ही ले लो, तो काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, बट वो जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको हेल्प करने के लिए, या वही वरुण सर का जो होप और किजर सर का जो डार्क प्लेस है, मुझे दोनों दिखते हैं उसमें। तो यही है कि जो बाढ़ आई थी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आए जो सिर्फ उसी टाइम पे दिखे। इसको हम डार्क प्लेस भी ले सकते हैं कि अपना वो नाम चमका रहे हैं, वरुण सर की तरह ले सकते हैं कि चलो यार कम से कम इस टाइम पे वो निकल के तो आए। तो दोनों ही मतलब मुझे दिमाग में घूम रहे हैं। राजेश, विद रिगार्ड टू, आई एम यस ऑडिबल? विद यस रिगार्ड टू यस द मुर्शिद प्लीज डेफिनेशन, प्लीज। यस सर, या लाइक व्हाट यू कैन डू इज दैट एज वी हैव एसोसिएशंस, लाइक नॉर्मली वी हैव IFSW एंड यू नो नाउ वी आर लाइक इन इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एज ए होल, नाउ टू वर्जन्स ऑफ सोशल वर्क इज लाइक नो देयर आर टू लाइक ग्रुप्स, वी कैन आई कैन से द ग्रुप्स। वन पीपल वन ग्रुप इज लाइक फोकसिंग ऑन व्हाट एवर वी स्टडीड, व्हाट एवर आवर प्रोसेस स्टडीज, व्हाट एवर वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, सेम लाइक एज यू मेंशन इन द लाइक स्लाइड अबाउट द डेफिनेशन। बट ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर ग्रुप, दे आर बिल्डिंग थियरीज, बिल्डिंग डेफिनेशन बेस्ड ऑन इंडिजिनियस सोशल वर्क प्रैक्टिस। सो माई पॉइंट इज दैट वेन यू लाइक नो फॉर द करेंट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, वेन वी आर लाइक बिल्डिंग नोड्स और मटीरियल्स, वी शुड ऑल्सो इंक्लूड फॉर इफ आई एम राइट लाइक 2014 IFSW हैव अपडेटेड द सोशल वर्क डेफिनेशन, सो दैट ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट लाइक नॉर्मली सोशल वर्क प्रैक्टिस, normally we can see we used to see that like generalistic social work practice. So what can be the definition for social work in micro, meso, macro? In that way also we can think about that. So that will be really helpful for the social work trainees as well as who are practicing it to understand the core idea about social work. Okay, these are my points to be added. Thank you. थैंक यू मिर्शाद। एक्चुअली मिर्शाद का भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, मेरे साथ पढ़ा था, तो मैं भी बहुत मतलब मिर्शाद के साथ पढ़ने के लिए मेरा अपॉर्चुनिटी मिल गया था। तो काफी मतलब वहाँ भी वो गोल्ड मेडलिस्ट था और अभी मतलब पूरा प्रोफेसर बनकर लोगों को स्टडी कर रहा है, तो हमको वो एंगल भी इसमें इंक्लूड कर सकता है, इसलिए वो 2014 का भी डेफिनेशन का अपडेट भी बता दिया। थैंक यू फॉर दैट। मैंने एक्चुअली इसमें ऐड नहीं किया था। और मतलब जैसा मतलब हुसैन को भी मैं यही बताना चाहता हूँ, हम है ना मतलब वो तो कुछ थोड़ा सा संस्था या कुछ और तरीके से हम बात कर रहा था, तो हम है ना मतलब प्रोफेशनली किसको हम सोशल वर्कर बता सकते हैं? जैसे कि अभी मिर्शाद ने जो बता दिया है, हम अलग अलग तरीके से मतलब माइक्रो लेवल में, मिसो लेवल में, सभी तरीके से एक सोशल वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो
जनरली हम किसको सोशल वर्कर बोल दू, मतलब वो आप लोग अगर कोई सरल शब्द में बता सकते हैं, मतलब डेफिनेशन के अलावा भी, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारा आगे बात करने का। हाँ जी, शायद भावना ने काफी कुछ चैट में शेयर किया है, उसके एंड पे कुछ स्पीकर चैलेंज है, तो मे बी आप वो भी पढ़ सकते हैं और सबसे शेयर कर ओके सकते। ओके, मैंने नहीं देखा, आई एम सॉरी। मतलब जो भावना हमने शेयर किया है, शायद सभी लोग, चैट तो सभी लोगों को एनेबल है मुझको लग रहा है। मतलब मैं एक बार बताना चाहता हूँ यहाँ, मतलब जो भावना ने लिखा है मैं वही पढ़ता हूँ। Nowadays there is need that a social worker must objectively evaluate each case by collecting information through observation, interviews and research based on true facts. Why I am saying this? Because when we think critically and without a prejudice, that enables social worker to make informed discussion, identify the best resources, and formulate the best plan to help clients. इसमें कुछ बताना चाहते हो? आई थिंक भावना ने आगे ये भी लिखा है कि सोशल वर्क इज एन एक्ट ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स, नो मैटर योर एक्ट इज फॉर वन पर्सन और मेनी। सो ओके यस, आई थिंक आई डू अग्री, मतलब आप लोग भी शायद सहमत होंगे कि सोशल वर्क इंटेंशन सोशल वर्क की लोगों का वेलफेयर ही है, चाहे आप एक व्यक्ति के साथ कार्य करें या आप पूरी कम्युनिटी के साथ करें। यस, और किसी की भी कोई डेफिनेशन है आप लोगों की, कोई अंडरस्टैंडिंग है आप शेयर कर सकते हैं? नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मैं इसमें एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो मिर्शाद बता दिया है, एक्चुअली जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है, हम जो पढ़ाई करता है तो एब्सोल्युटली, और प्रोफेशनल सोशल वर्कर हमेशा एक स्किल्ड पर्सन होता है जितना मैं जानता हूँ। मतलब वो कोई तरीके से उसको पहला पढ़ाई हो गया होगा, उसका प्रोफेशनल डिग्री होगा। मतलब कोई भी तरीके से, मैं ये नहीं बता रहा हूँ बाकी लोग सोशल वर्कर नहीं है, मैं सिर्फ एक बार बताने के लिए बता रहा हूँ। फिर मतलब कोई भी स्किल होगा, शायद वो काम कर कर वो अचीव भी किया होगा, कैसा बात करना है, सब कुछ करने से कैसा एक रिपोर्ट लिखने का तरीके से एक साइंटिफिक वे होगा। फिर उसको इंटरपर्सनल स्किल होगा, और वो हमेशा जैसा पहला भी बता दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम कर रहा होगा, और वो अपना टेक्निकल स्किल वगैरह यूज कर रहा होगा किसके लिए, शायद वो इंडिविजुअल के लिए होगा, एक पूरा ग्रुप के लिए होगा, या पूरा कम्युनिटी के लिए ही होगा। फिर अलग अलग तरीके से, शायद वो एनजीओ में काम कर रहा होगा, या इंडिविजुअली केस वर्कर बनकर काम कर रहा होगा, या मतलब कोई भी तरीके से लेबर लॉ वगैरह एक कंपनी में भी काम कर रहा होगा, तभी भी वो सोशल वर्कर के दिया जाता है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर। और किसी को कुछ बताना नहीं है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, हमारा काफी टाइम भी चले जाऊंगा इसमें। हेलो, ओके तो हम थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि स्कोप इसका पास में ही इसलिए रखा था, मतलब किस किस हालत में हम काम कर रहे हैं, मतलब केस मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, काउंसलिंग में काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, काफी लोग यूथ के लिए काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, फिर ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, फिर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसीज, काफी लोग टीच कर रहा है, मेरे साथ जैसा काफी लोग सोशल वर्कर भी है और टीचिंग भी करता है, स्कूल्स के टीम में काम करता है, काउंसलर भी है वहाँ, फिर इंडस्ट्रियल एजेंसी में काम करता है,
जेरियाट्रिक केयर वगैरह में काम कर रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज में काम करता है, काफी लोग फार्मर्स के साथ काम करता है, क्राइसिस इंटरवेंशन जैसा अभी जो काफी उदाहरण बता दिया है, काफी क्राइसिस अभी चल रहा है उसमें भी इंटरवेंशन सोशल वर्कर का ही पार्ट है। और मतलब कोई फ्लड होगा या कोई कम्युनिटी वायलेंस होगा तभी भी सोशल वर्कर ही वहाँ काम करते हैं मेन तरीके से, तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए आजकल का जो समय है में काफी अपॉर्चुनिटीज है, डेली इंक्रीज कर रहा है, नेशनली और इंटरनेशनली भी इंक्रीज कर रहा है। तो किसी को यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, अपना अपना कुछ जगह में आप लोग काम कर रहा होगा तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हैं इसमें, जो नहीं बता दिया गया होगा काफी सेटिंग्स में भी। हेलो, हाँ बिल्कुल, कुछ लोग एकेडमी में भी काम कर रहा है। तो वो भी सोशल वर्कर ही है, प्रोफेशनल प्रोफेसर भी सोशल वर्कर ही है, वो दोनों है। कुछ लोग एडवोकेसी कर रहा होगा, मैं यहाँ का चैट देखकर बात कर रहा हूँ, और किसी को बात करना है तो वो भी इसमें बता सकता है। आई थिंक मिशात ने एक लिंक शेयर किया है जो इसमें स्कोप ऑफ सोशल वर्क मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ हमेशा होता है जो हम नहीं कवर करते हैं। जैसे इस इंटरेक्शन में हमें पता चला है कि मिशात ने जैसे शेयर किया, अभी आकाश ने भी शेयर किया है कि कैसे काम करते हैं। सो यस, आई थिंक आप सभी सेज पब्लिकेशंस के इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप सब देख सकते हैं लिंक पे जो मिशाद ने अभी शेयर किया है। थैंक यू मिशाद एंड आकाश। ओके तो आप लोगों को मैं ये कॉपी करके आपको भी शेयर करता हूँ, जो भी लोग आज अटेंड किया है सभी लोगों को। और कुछ बता, मतलब स्कोप के अलावा कुछ बात करना है तो बता दीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। हम एक टाइम बाउंड में भी ये मीटिंग खत्म करना है ना। जैसा कि काफी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो सोशल वर्कर का, मतलब हम अभी डेफिनेशन बता दिया है किस में काम कर रहा है, उसके अलावा भी जैसे कि सोशल वर्क इज ए वेलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफी, हमको मतलब इंसानियत को पहले रखकर ही हम इसमें बात करता है। अगर इसमें कोई मजहब है या रिलीजियन है वो ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में ही आधारित है, और मतलब इसमें हर लोगों का वर्थ और डिग्निटी को रेस्पेक्ट करता है। फिर ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है, मतलब सिर्फ श्रमदान या कोई चैरिटी देना या सेवा करना नहीं है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी होगा। और एक मतलब इंडिविजुअल ग्रुप या कम्युनिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इंटर डिपेंड, इसमें मतलब हमको इस समाज को चाहिए और सेल्फ रिलायंट भी बनना है, ये सोशल वर्कर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट प्रोमोट अडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू सोशल फंक्शनिंग। सोशल वर्क हैज ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस, मतलब ये काफी रिसर्च किया है, काफी थियरीज के बाद ही जो अभी का जो भी प्रोफेशनली इसको कर रहा है वो लोग मतलब साइंटिफिक बेसिस में ही कर रहा है। सोशल वर्कर हैज ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस, फिर मतलब काफी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में बेस्ड है सोशल वर्क, और इट इज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू कोप विद प्रॉब्लम, मतलब कभी कभी हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी नहीं कोप भी कर सकता है, वो प्रॉब्लम को कोप करना भी इसमें बताता है। और स्पेसिफिक नॉलेज स्किल रिक्वायर्ड है फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ, तभी आप एक अच्छा सोशल वर्कर बन सकता है, और इसमें रेम्यूनरेशन मिलता है हर काम के लिए जो आप काम करते हैं उसमें रेमुनरेशन मिलता है, शायद वो कम भी होगा, शायद मैं अभी बताऊंगा काफी लोग सोचूंगा हमारा तो इनकम कम है, पर कोई तो हमको इनकम मिल रहा है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल वर्क का। काफी लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं कम ही पॉइंट डाल दिया है। हेलो, सर लास्ट वाला जो पॉइंट बताया ना कि किसी को कम मिल रहा है किसी को ज्यादा, वो तो आप अपने डिपेंड करता है कि आप कहाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
लेकिन एक छोटी सी समस्या और हमारे मतलब देश में कह लो या यूं कह लो कि एक फील्ड में खड़ी हो गई है कि मतलब मैं बात करना चाहूंगा अभी जो मोस्ट रिसेंटली जो है ना गाइडलाइंस को किसी और एजेंसी के थ्रू चलाया जा रहा था, उसमें बहुत सारे जो चाइल्डलाइन टीम मेंबर्स हैं मैं उनके साथ चैट वगैरह उनके देखता हूँ, तो वो काफी ज्यादा भयभीत है, यूं कह लो थोड़े प्रॉब्लम में है कि पता नहीं हमारी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो सोशल वर्क तो कर रहे हैं बट वो थोड़ी सी अर्निंग से अपनी फैमिली भी चला रहे हैं, बट उनको अभी ये भी डर सता रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर वो नहीं ज्वाइन जुड़ते हैं आगे चाइल्डलाइन में या किसी और चाइल्ड से फील्ड जो भी उनका फील्ड है, तो वो मे बी वो सोशल वर्कर जो है उनके लाइफ से खत्म हो जाएगी या वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा भी तो कुछ चैलेंजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं इसमें पूरा एग्री कर रहा हूँ। सोशल वर्कर को भी अपना फैमिली तो पालना ही है। हम वही बता रहा हूँ, हमको प्रोफेशनल स्किल सब कुछ होने के बाद भी हमको भी अपना फैमिली सब कुछ देकर ही हमको काम करना है ना। तो रेमुनरेशन एक चीज है और काफी मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है सोशल वर्कर। पर मैं यहाँ कुछ और ऐड किसी कर सकता है तो और बढ़िया है। मतलब काफी और कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल वर्क का, तो कोई और भी बता सकते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या हिंदी में बोल सकते हैं हम? हेलो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आई थिंक हम सब समझ गए कि सोशल वर्क के क्या एस्पेक्ट्स हैं। कुछ मुझे भी एग्जैक्ट टर्म तो हिंदी का नहीं ध्यान में आ रहा है, बट ओके या आई थिंक ओके, तो कोई और ऐड करना चाहते हो? ओके, मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ, शायद बाद में ऐड करूँगा कोई। जैसे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है, थोड़ा सा मैं इसमें भी जान मतलब हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। जैसे कि मेनली सोशल वर्कर क्या करते हैं, हमारा साइको सोशल प्रॉब्लम्स का मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल वर्क का, मतलब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है स्टेटमेंट्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मतलब क्या हम करना चाह रहा है। और जनरली सोशल वर्कर हैज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी जो क्लाइंट्स है उसका साइको सोशल प्रॉब्लम्स सोल्व करना कोशिश करता है, फुलफिल ह्यूमैनिटेरियन नीड, जैसे कि उसका बेसिक नीड कम से कम हम फुलफिल करना कोशिश करता है, हेल्प टू रिसोल्व विद एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम, काफी शायद शादी में प्रॉब्लम है या कोई एडजस्टमेंटल इश्यूज है दूसरा जगह का, उसका प्रॉब्लम में मतलब सोल्व करने का कोशिश करता है, क्रिएट सेल्फ सफिशिएंसी, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है, मतलब वो एक मछली को मतलब एक खाना का भूख लग गया है तो उसको कोई फूड या मछली नहीं देता है, कैसे मछली पकड़ना सीखता है तो वो सेल्फ मतलब सफिशिएंसी होता है, मतलब अगर वो साइकोलॉजिकली आज प्रॉब्लम में है तो हम काफी काउंसलिंग करता है, काफी टाइम के बाद उसको इंडिपेंडेंटली खुद का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करता है वो हम सिखाता है और उसको छोड़ देता है, उतना तक हम केपेबल बनाता है ताकि हम हमारा पास वापस बार बार मत आ जाओ, ये भी हम देखता है। फिर क्या है, मेक प्रोविजन फॉर करेक्टिव प्रिवेंटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेस, मतलब काफी अगर कोई मतलब कोई भी तरीके से वो कोई कानून का उल्लंघन भी किया है, मतलब लॉ ब्रेक किया है, तो उसका भी हम करेक्टिव मेशर्स बताता है, प्रिवेंटिव मेशर्स बताता है, वापस उस समाज में कैसे जाना है उसका बारे में भी वही लोगों को हम हेल्प करता है। इसमें इसलिए जेल्स में भी काफी प्रोग्राम्स होता है सोशल वर्कर का, वेलफेयर ऑफिसर होता है, काफी लोग वहाँ भी काम करता है। फिर चेंज इन द एनवायरमेंट इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कभी कभी उसका जो खुद का एनवायरमेंट है, शायद एक बच्चा शायद उसका फैमिली में उसको दिक्कत पड़ रहा होगा, कोई
एक रिलेटिव या किसी का, तो हम जाकर उसका जो एनवायरनमेंट भी चेंज करने का थोड़ा सा कोशिश करता है, या कभी कभी उसको शेल्टर होम में अच्छा रखता है, तो शेल्टर होम में भी उसको जो एनवायरनमेंट पूरा बदल कर भी देख जाता है, काफी तरीके से उसको हेल्प करता है। फिर इंश्योर सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शन, मतलब काफी तरीके से उसको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए उसके लिए, और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए भी हम कोशिश करता है उसको मिले, और एनहेंस सेल्फ एस्टीम। हर लोगों को जो सेल्फ एस्टीम है उसको मेनली हम बूस्टअप करता है या इंश्योर करता है कम से कम, ये एक सोशल वर्कर का मेनली ऑब्जेक्टिव हो जाता है। किसी को इसमें भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या मैंने जो बता दिया है उस कोई भी पॉइंट में एक्सप्लेन भी कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आने वाला, मतलब जो हमने पिछला बार बता दिया है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव बता रहा है, थोड़ा सा ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम कैसा काम कर रहा है और हम किस लक्ष्य में किस ऑब्जेक्टिव में काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। कोई और एक्सप्लेन कर सकते हो? मिर्शा आई थिंक अजीश काफी सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं फॉर बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग. मतलब अब तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम, बाकी अगर हमें और फर्दर डिस्कस करना हो सो वी कैन कनेक्ट नेक्स्ट वीक एंड टेक अप इन डिटेल. ये बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे हमने डिस्कशन की है, सो आई थिंक अजीश आप म्यूट पे हो. सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं भी यही चाहता था हम ऑब्जेक्टिव तक ही कवर करें, क्योंकि मैंने इसमें एक और स्लाइड डाल दिया है, मुझको लगता था वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि खुद इसको बताने के लिए हमको एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल्स में हम काम कर रहे हैं, तो मतलब ये 7 प्रिंसिपल्स है, सब कुछ है। एक्चुअली मुझको याद है जब मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको ऊपर ही एक पूरा सेशन चला था, तो मैं एक्चुअली आज ये कवर नहीं करना चाहता हूँ। तो मतलब ऑब्जेक्टिव्स तक हमने आज कवर किया है, और मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ।